ये है होंडा की तरफ से आने वाली SP125। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बाइक है ना 2024 का सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो स्पोर्ट वाले एडिशन की बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन ये जो कलर है ना, ये वाला ग्रे वाला कलर है और ये मैट के साथ है, मैट वाला ग्रे है। काफ़ी अच्छी बाइक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। E20 पेट्रोल के साथ अपडेट हो चुकी है और ये जो बाइक है ना 2024 में पूरे अपडेट्स आ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो जो कलर है ना इसका, यहाँ पे आप देखिए ये मैट ग्रे वाला कलर है, ये काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है। और वहीं पे आपको साइड से बाइक दिखा देते हैं, यहाँ पे आप साइड से बाइक देख सकते हो पूरा जो कलर है आपको मैट फिनिश में मिलने वाला है। यहाँ पे देखें तो सामने जो है आपको ब्लैक ग्लॉसी लुक में मिल जाता है सामने का वाइजर। यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग, बात करें इंडिकेटर की तो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, टोटल हाइलोजन सेटअप के साथ मिल जाते हैं इंडिकेटर। और एक बात और बता दी, ये नॉन फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देखें जो मेन लाइट है आपको टोटल LED के साथ मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाइलोजन सेटअप नहीं मिलता है। और वहीं पे यहाँ देखें तो नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर के लिए जगह मिल जाती है। बात करें यहाँ पे ना, तो आपको टेलीस्कोपिक वाले यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। 80/18 का यहाँ पे टायर साइज मिलने वाला है। एलॉय देख सकते हो मैट ब्लैक में यहाँ पे एलॉय मिल जाता है। बात करें यहाँ पे डिस्क की ना, तो 240 mm का यहाँ पे डिस्क साइज मिल जाता है। यहाँ से आपको डिस्क दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 240 mm का डिस्क साइज है और ये मैट एलॉय मिलता है इसमें। और यहाँ पे आपको मडगार्ड की बात करें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैट ग्रे वाला यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पे इस बाइक के मीटर की तरफ आते हैं तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। यहाँ पे आपको मीटर दिखा देना, तो फुल्ली आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम सारे नोटिफिकेशन इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड में फ्यूल गैस के लिए जगह मिल जाती है और यहाँ पे आपको कट ऑफ सेंसर वाला लाइट मिल जाता है। पूरे जो मीटर है ना आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे बटन्स की बात करें तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न के लिए यहाँ पे बटन मिल जाती है। और यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच और इंजन स्टार्ट बटन दोनों मिल जाती है। और यहाँ पे हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल स्टील का हैंडल बार मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे ब्लैक मैट कलर में हैंडल बार मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करें ना, तो नीचे आप फ्यूल टैंक देख सकते हो E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें जो है लगभग 11.5 लीटर पेट्रोल आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। और वहीं पे बता दें जितनी भी हीरो कंपनी की बाइक्स आती है ना, तो फ्यूल इंजेक्शन के साथ हुई है ना तो उसमें फ्यूल मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन ये होंडा की जितनी भी बाइक हैं इसमें आपको फ्यूल मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको जितना भी पेट्रोल डलवाना है डलवा सकते हैं, इसमें आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा फ्यूल टैंक में। वहीं पे यहाँ साइड पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक का लुक पूरा ग्रे कलर है और ये काफ़ी अच्छी है मैट फिनिश के साथ। और यहाँ पे टैंक काउल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आपको फाइबर मटेरियल में टैंक काउल मिल जाता है। यहाँ पे आपको होंडा की 3D में बैजिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे देखें जो इंजन है 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड वाला इंजन है और ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। पहले यहाँ पे जितनी भी बाइक थी 2023 की सब फ्यूल इंजेक्शन के साथ आने लगी हैं, तो ये फ्यूल इंजेक्शन वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गियर जो है इसमें आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लेग गार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लेग गार्ड देख सकते हो, काफ़ी मजबूत लेग गार्ड इसमें मिल जाता है। वहीं पर हॉर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको अंदर सिंगल हॉर्न मिल जाता है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो जो इंजन है यहाँ पे आपको टोटल साइलेंट वे में स्टार्ट होता है, अभी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे कैसे होता है। और यहाँ से आप साइड पैनल्स वगैरह देख सकते हो, अगर आपको मैट फिनिश में बाइक चाहिए तो आप ये बाइक की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको SP125 की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो चैन कवर है पूरा प्लास्टिक मटेरियल का चैन कवर मिल जाता है। कट ऑफ सेंसर वाला यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक आगे नहीं चलेगी, इंजन ही नहीं चालू होगा। वहीं पे बात करें यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेडीज़ गार्ड भी मिल जाता है। सॉकअप की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल वाले सॉकअप मिल जाते हैं, काफ़ी सही रहता है। और यहाँ पे आपको रेड कलर में सॉकअप मिलने वाले हैं। साइड पैनल्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपको टोटल फाइबर मटेरियल में मिलते हैं और ये आपको पूरा मैट फिनिश में मिल जाता है ग्रे कलर में। यहाँ पे देखें रियर की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे हाइलोजन सेटअप के इंडिकेटर मिल जाते हैं। पहले भी बता चुका हूँ ये जो इंडिकेटर है आपको नॉन फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। टेन लाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइलोजन सेटअप के साथ टेन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिंगल रिफ्लेक्टर और यहाँ पे आपको सिंगल नीचे की तरफ लाइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर के लिए जगह मिल जाती है। और यहाँ पे ग्रैब रिल की बात करें ना, तो टोटल आपको एल्यूमिनियम का यहाँ पे ग्रैब रिल मिल जाता है ऑल ब्लैक। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी लुक में ये ब्लैक कलर में मिलता है, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। वहीं पर यहाँ पे सीट कम्फर्ट की बात करें ना, तो इसका सीट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जितने भी बाइक जैसे 125 सीरीज में आप देखोगे तो सीट कम्फर्ट इसका काफ़ी सही मिल जाता है। और यहाँ पे इसके टायर साइज की बात करें ना, तो आपको 100/80/18 का टायर साइज मिल जाता है। पहले जो था ना SP125 का यहाँ पे टायर पहले पतला आता था, लेकिन अब थोड़ा सा मोटा हो चुका है
और यहाँ पे देखे तो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है और ये जो अलॉय है ना आपको मैट ग्रे में मिल जाता है। यहाँ पे देखे जो साइलेंसर है, साइलेंसर मफलर आपको क्रोम कलर में मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छा लगता है। और ये CB125 में जो साइलेंसर आता है वही वाला आता है। और यहाँ पे जो सॉकअप है आपको टोटल रेड कलर में मिल जाता है, एडजस्टेबल वाली, यहाँ से आप सॉकअप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पे यहाँ पे साइड पैनल्स देख सकते हो, फाइबर मटेरियल में यहाँ पे साइड पैनल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको SP125 की बैजिंग मिल जाती है व्हाइट स्टिकर में। यहाँ पे देखें तो नीचे आपको इनहेंस स्मार्ट पावर मिल जाता है, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, आप रियर वाला ब्रेक मारते हो तो आगे वाला भी अप्लाई होता है फ्रंट वाला। यहाँ पे देखें जो इंजन है 125cc का सिंगल सिलेंडर किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्टार्ट हो जाएगा और ये साइलेंट वे में स्टार्ट होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन सेंसर भी आता है, सिंगल प्लग का सपोर्ट मिल जाता है, ठंड वगैरह में आराम से स्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आप ब्रेक लीवर देख सकते हो, जो ब्रेक लीवर है आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। और बता दें ये जो इंजन है ना आपको वाइब्रेशन वगैरह बहुत ही कम आते हैं, इसमें आपको वाइब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे इस बाइक के इंजन की आवाज़ सुना देते हैं कि कैसे आती है इंजन की आवाज़। यहाँ पे आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हो, काफ़ी रगड़ इंजन है और बता दें ये जो इंजन है आपको काफ़ी कम वाइब्रेशन आएगा। तो यहाँ पे देखें तो आपको लेग गार्ड मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको साइड पैनल्स वगैरह आपको टोटल फाइबर मटेरियल में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टैंक कॉल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो फाइबर वाले। यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। और वहीं पे इस बाइक की वेट की बात करें ना तो 116 किलोग्राम टोटल इसका वेट चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट एडिशन वाले यहाँ पे आपको मिल जाएगी बाइक, इसका भी आपको चैनल में वीडियो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मैट ग्रे वाला कलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 90,560 रुपए इसका एक्सोरूम प्राइस चला जाता है। वहीं पे इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें ना तो 1,13,600 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। और वहीं पे इस बाइक के एवरेज की बात करें ना तो फ्यूल इंजेक्शन के साथ E20 पेट्रोल का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो इसका एवरेज आराम से आपको 60 प्लस का देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो E20 पेट्रोल का सपोर्ट भी मिल जाता है। और जितनी भी बाइक है ना फ्यूल इंजेक्शन के साथ हो गई तो एवरेज थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है। बाकी आपको कंप्लीट डिटेल बता दी गई है इस बाइक के बारे में, अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी।